नमस्कार दोस्तों, 5 जून 2024 सुबह के 10:52 अमेरिका में स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च होता है। And liftoff of Starliner Atlas V. इसमें बैठे हैं नासा के दो बड़े एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स, कमांडर बैरी बुच विलमोर और पायलट सुनीता विलियम्स, जो कि जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक छोटी सी ट्रिप पर। जिस स्पेसक्राफ्ट में ये ट्रैवल कर रहे हैं स्टारलाइनर, इसके बारे में एक बड़ी खास बात है, इसे एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, बोइंग। वही कंपनी जो एरोप्लेन्स भी बनाती है और जिसके हाल ही में कई सारे एरोप्लेन्स क्रैश किए हैं। ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अभी भी एक तरह से डेवलपिंग स्टेज में है और ये पर्टिकुलर मिशन एक आखिरी पड़ाव था बोइंग स्टारलाइनर की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए। इसलिए इस मिशन का नाम लिटरली रखा गया था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। अगले दिन करीब 27 घंटे बाद 1:34 पर यह स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करने लगता है। ये डॉकिंग सक्सेसफुल होती है और कुछ ही देर बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स बड़े खुशी खुशी स्पेस स्टेशन में एंटर करते हैं। इस वीडियो को देखिए, पायलट सुनीता विलियम्स कितनी एक्साइटेड है एंट्री के वक्त। इस सक्सेसफुल डॉकिंग का मतलब था कि बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाने और उड़ाने वाली। इससे पहले ये काम सिर्फ स्पेसएक्स ने किया था और आज तक दुनिया में सिर्फ 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं, रशिया, यूएसए और चाइना। लेकिन इस खुशखबरी का जश्न ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। ये स्टारलाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का मिशन होना था, 8 दिन बाद इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर आ जाना था। लेकिन आज 3 महीने बाद भी ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स वही स्पेस में फंसे हुए हैं। स्पेसक्राफ्ट में कई सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से इसे वापस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नासा के अनुसार ये एस्ट्रोनॉट्स 8 महीने तक वहीं फंसे रहेंगे। आखिर कैसे हुआ ये फेलियर, बोइंग कंपनी पर कितना ब्लेम जाता है, आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देनी जरूरी है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे जरूर हुए हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके के खतरे में नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 350 फीट से ज्यादा लंबा है एंड टू एंड, यहाँ पर काफी लोगों को अकोमोडेट करने की जगह है। जो लिविंग और वर्किंग स्पेस यहाँ पर मौजूद है, ये एक 6-बेडरूम घर से भी ज्यादा बड़ी जगह है। यहाँ पर 6 लोगों के सोने की जगह है, जहाँ पर खाने का, पानी का, कपड़ों का और ऑक्सीजन का सब चीजों का इंतजाम है। 2 बाथरूम है, एक जिम है और एक 360 डिग्री व्यू बे विंडो भी है। हालांकि ऐसा भी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा लग्जरी होटल हो, लेकिन कंफर्टेबल रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अच्छी जगह है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खुद का एक ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन जनरेट करता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिसाइकल भी करता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन काफी हद तक ऑक्सीजन फिर भी मौजूद होती है। तो उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर पाना और उसे रिकवर करके वापस से यूज करना, ये वो काम करता है। इसी तरीके से पानी के लिए भी एक बहुत बढ़िया रिसाइकलिंग सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे पेशाब को रिसाइकल किया जाता है और उसे ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये पानी वाला रिसाइकलिंग सिस्टम मॉइस्चर को भी कैप्चर कर लेता है, जो सांस में रिलीज होता है या फिर पसीनों में आता है। खाने की बात करी जाए तो करीब 6 महीने तक का रिजर्व खाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद है, लेकिन हर 5 से 6 महीने के बीच में वैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद जो क्रू मेंबर्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं। जैसे कि इस वक्त एक्सपीडिशन 71 के क्रू मेंबर स्टेशन में मौजूद है। जो वीडियो आपने पहले देखा था जिसमें सुनीता विलियम्स बड़ी एक्साइटेडली एंटर कर रही थी स्टेशन में, उसी वीडियो में आप और एस्ट्रोनॉट्स को भी देख सकते हो जो इस एक्सपीडिशन 71 का हिस्सा है, जो वहां ऑलरेडी मौजूद थे। ये है नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स, मैथ्यू डोमिनिक, माइक बैरेट, जॉनेट एप्स और ट्रेसी सी डायसन, और रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के 3 एस्ट्रोनॉट्स, ओलेग कोनोनेंको, निकोलाई चब और अलेक्जेंडर ग्रेबेनकिन। टिपिकली 6 से 7 लोग होते हैं इन एक्सपेडिशंस पर, और ये जो नंबर है एक्सपेडिशन 71, ये बताता है कि ये 71st टीम है क्रू मेंबर्स की जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आई है रोटेट होकर। ये एक्सपेडिशंस 24 सालों से चल रही हैं। ईयर 2000 में सबसे पहली बार जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था, साल 2000 से लेकर आज तक कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए खाली नहीं छोड़ा गया है, कोई ना कोई इंसान हमेशा इसमें मौजूद रहा है। ये एक्सपेडिशन 71 24
सितंबर 2024 को कंप्लीट होगा और ये एस्ट्रोनॉट्स जो अभी स्टेशन में मौजूद हैं ये धरती पर वापस लौट जाएंगे और इनकी जगह लेने आएंगे एक्सपेडिशन 72 के क्रू मेंबर्स। तो वो लोग अपने साथ और खाना ला सकते हैं इन दो एस्ट्रोनॉट्स के लिए। अभी के लिए नासा ने कहा है बुच और सुनीता दोनों एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेडिशन 71 और एक्सपेडिशन 72 दोनों ग्रुप्स का हिस्सा बन गए हैं। तो इन्हीं के साथ मिलकर ये नई रिसर्च नए एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दो एस्ट्रोनॉट्स वहां फंस गए स्पेस में तो वहां बैठकर बोर हो रहे हो कुछ करने को ना हो। एक्सपेडिशन 71 करंटली रिसर्च कर रहा है स्पेस बोटैनी पर, स्पेस में फूल कैसे उगते हैं, स्पेस कॉज्ड फ्लूइड शिफ्ट्स पर, एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर और साथ ही साथ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस और थेरेपीज पर भी रिसर्च चल रही है स्टेशन में। बैरी विलमोर और सुनीता विलियम्स ये दोनों ही बेहद एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं। बैरी की उम्र है 61 साल और ये ऑलरेडी 178 डेज स्पेस में बिता चुके हैं इस मिशन से पहले। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला की तरह ही इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है, हालांकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ये 58 साल की हो चुकी है और इस मिशन से पहले 322 दिन ये स्पेस में रह चुकी है। इससे पहले ये एक्सपेडिशन 14, 15, 32 और 33 का हिस्सा थी। साथ ही साथ एक्सपेडिशन 33 की ये कमांडर भी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी एक्सपीरियंस्ड है। तो मोटे मोटे तौर पर इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को किसी चीज की दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर खाना है, पानी है, ऑक्सीजन है। कपड़ों की थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि ये 8 दिन के कपड़े लेकर आए थे, ज्यादा चीजें अपने साथ कैरी नहीं करके लाए थे। लेकिन इसके लिए नासा ने एक शिपमेंट भेजी इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स की 6 अगस्त को। तो ये तो हुई एस्ट्रोनॉट्स की बात, लेकिन अब आते हैं प्रॉब्लमैटिक चीज पर जो कि है ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। बोइंग का ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। इसका पूरा नाम है क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन -100 स्टारलाइनर, तो शॉर्ट में इसे CST-100 स्टारलाइनर भी कहा जाता है। स्पेसएक्स के बाद बोइंग ही इकलौती ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा पाई है। अब यहाँ ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट का मतलब क्या है? ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो इतनी वेलोसिटी से ऊपर उड़ते हैं कि ये धरती के ऑर्बिट में पहुंच पाए और चारों तरफ चक्कर लगा सके धरती के। इसके लिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड चाहिए होती है। दूसरी तरफ सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट्स स्पेस की एज तक पहुंच जाते हैं लेकिन इतनी ऊपर नहीं पहुंच पाते कि धरती के ऑर्बिट में जा पाए। वो थोड़ी सी देर के लिए ऊपर जाते हैं, थोड़ी सी वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होती है लेकिन उसके बाद नीचे आ जाते हैं वापस। सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट की टिपिकल वेलोसिटी 7,000 किलोमीटर पर आवर से कम की होती है। तो क्लियरली एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाना सब ऑर्बिटल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, स्पेशली एक ऐसा ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान भी बैठकर ट्रैवल कर सके। स्पेसएक्स और बोइंग प्राइवेट कंपनीज के अलावा आज तक 3 ही देश हैं जो एक ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बना पाए हैं। ये हैं चाइना, रशिया और यूएसए, और इंडिया कोशिश कर रहा है। हमारा जो गगनयान मिशन है वो यही चीज होगी, इंसानों को एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर स्पेस में भेजना। इसकी पहली ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर में होने वाली है। हालांकि एक अनक्रूड फ्लाइट होगी, यानी कि कोई इंसान इसमें बैठेंगे नहीं। पहले टेस्ट के लिए ये एक ह्यूमनॉइड को बिठाएंगे जिसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। बेसिकली एक पुतले को बिठाकर टेस्ट करने के लिए भेजेंगे क्योंकि शुरुआत में ही इंसान को बिठा दिया और कोई प्रॉब्लम आ गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। नासा पर वापस आए तो नासा ने 2011 के अराउंड अपना कमर्शियल क्रू प्रोग्राम शुरू किया था जिसके अनुसार वो प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज ने इसके लिए बिडिंग करी थी जैसे कि ब्लू ओरिजिन, सियरा नेवाडा, और 2014 में स्पेसएक्स और बोइंग को सेलेक्ट किया गया इस प्रोग्राम के लिए। नवंबर 2020 में स्पेसएक्स क्रू 1 की पहली फ्लाइट उड़ी और स्पेसएक्स ने अपनी सफलता दिखाई। इनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो था ये क्रू ड्रैगन नाम से, जो कि काफी मिलता जुलता है बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से जो ऐसा दिखता है। ऊपर जो क्रू का मॉड्यूल है वहां पे 7 लोगों के बैठने की जगह है, यहाँ खिड़की लगी है, साइड हैच है और अंदर से आप इसका व्यू देख सकते हैं। 5 पर्सन का क्रू सेटअप दिखा रखा है। नोट करने वाली चीज है यहाँ पर थ्रस्टर्स जिनकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट उड़ता है और मूव करता है अलग अलग डायरेक्शंस में। ये थ्रस्टर्स ही बाद में जाकर मुसीबत की जड़ बनते हैं जिसकी वजह से आज वहां एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हुए हैं। अब जीवन में ऐसी अनसर्टेनिटीज और मुश्किल वक्त कभी भी आ सकता है किसी के लिए भी, खासकर आज के समय में जहां इतनी सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। हमें खुद को और अपने परिवार को ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन से सिक्योर्ड रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली आज के समय में जहां एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 14% पर पहुंच चुका है। 2021 की फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के अनुसार 70% एक्सपेंडिचर जो होता है हेल्थ पर वो आउट ऑफ पॉकेट होता है, जिसकी वजह से 60
मिलियन इंडियंस हर साल पॉवर्टी में धकेले जाते हैं। और नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी की 2023 की रिपोर्ट जिसे अनवील किया गया था IRDAI के द्वारा, इसके अनुसार देश में 73% पॉपुलेशन हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है। IRDAI ने तभी अपना विजन बनाया इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन इसे एक पीस ऑफ माइंड मिलता है और आपको फाइनेंशियल एड मिलती है जब आपको उसकी जरूरत हो सबसे ज्यादा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इसी जरूरत को समझता है। इनके पास 24/7 सपोर्ट है और 14,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स। स्टार हेल्थ देश में पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने माइलस्टोन अचीव किया है 1 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल करने का जब से इसकी शुरुआत हुई। ऊपर से इनका दावा है कि 90% क्लेम्स इनके 2 घंटे से कम के समय में सेटल हो जाते हैं। प्लस ये कैशलेस एनीवेयर की फैसिलिटीज ऑफर करते हैं, चाहे आपको रूटीन चेकअप कराना हो या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आप अपने परिवार के लिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ढूंढ सकते हैं। यहां स्टार हेल्थ का धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। स्टारलाइनर CFT की पहली लॉन्च डेट रखी गई थी 6 मई 2024, यानी कि जो लॉन्च 5 जून को हुआ है वो एक्चुअली में 6 मई को होना था, लेकिन 6 मई को काउंटडाउन लॉन्च से सिर्फ 2 घंटे पहले रोक दिया जाता है एक फॉल्टी प्रेशर वॉल्व के चलते। ये जो एटलस 5 रॉकेट है जिससे स्पेसक्राफ्ट अटैच्ड है, इसके ऊपर का एक प्रेशर वॉल्व खराब निकलता है। फिर 1 जून को एक दूसरा अटेम्प्ट किया जाता है और लॉन्च से सिर्फ 4 मिनट पहले एक बार फिर से इसे कैंसिल कर दिया जाता है। इस बारी कोई इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर एबॉर्ट सिस्टम इसे कैंसिल करता है। Another setback for Boeing Saturday. Officials said the mission was halted minutes to go before liftoff by a computer abort system. फिर जब 5 जून का दिन आता है, यकीन नहीं करोगे, उस लॉन्च से पहले भी बोइंग और नासा के इंजीनियर्स एक हीलियम लीक को मैनेज करने में लगे हुए थे। हीलियम वो मेन गैस है जिसकी वजह से प्रोपल्शन सिस्टम चलता है और स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स को फायर किया जाता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर अटैच होता है, डॉक करता है उसमें, तो एग्जैक्टली इसे लाइन पर लाना, डॉक करना, अनडॉक करना, यहाँ पर ये थ्रस्टर्स काम आते हैं और इन्हीं थ्रस्टर्स को चलाने के लिए हीलियम की जरूरत होती है। नासा और बोइंग के इंजीनियर्स ने कहा कि हीलियम लीक हो रही है यहाँ पर एक डिफेक्टिव सील की वजह से, लेकिन ये लीक को इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये मैनेज है और इससे कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसलिए 5 जून को ये लॉन्च आगे बढ़ता है। लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद 2 और लीक्स देखे जाते हैं। जब स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है तो एक चौथा हीलियम लीक भी देखा जाता है। 4 लीक्स होने के बाद फाइनली बोइंग के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर एडमिट करते हैं कि हम नहीं जानते यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमें इस रूट कॉज को समझना होगा। Obviously, knowing root cause is what gets us to permanent fixes. ये कोई आइसोलेटेड एरर नहीं है, यहाँ पर एक बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है स्टारलाइनर के डॉकिंग से कुछ घंटे पहले। पता चलता है कि 28 थ्रस्टर्स जो इस स्टारलाइनर पर लगे हुए हैं, उनमें से 5 तो ढंग से काम ही नहीं कर रहे। ये होता देख स्पेसक्राफ्ट कमांडर बुच विलमोर को मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है। ग्राउंड पर मौजूद इंजीनियर्स के साथ में काम करके ये थ्रस्टर्स को रीसेट करते हैं और दोबारा से फायर करते हैं। 5 में से 4 थ्रस्टर्स वापस से काम करने लग जाते हैं और स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सक्सेसफुली डॉक कर जाता है। स्टीवन स्टिच नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर का कहना है कि ये फेलियर एक डेटा इशू की वजह से था, थ्रस्टर के हार्डवेयर से कुछ लेना देना नहीं था इसका। लेकिन इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से नासा पर कई सारे सवाल उठ रहे थे। क्या स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का सही में ये एस्ट्रोनॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं वापस धरती पर लौटने के लिए, जब इतने सारे लीक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर थ्रस्टर्स भी काम करना बंद कर जा रहे हैं बीच में। 6 जून के बाद नासा और बोइंग ने कुछ हॉट फायर टेस्ट कंडक्ट किए इन थ्रस्टर्स को चेक करने के लिए। इन टेस्ट में इन्होंने नोटिस किया कि ये थ्रस्टर्स ओवरहीट कर रहे हैं और इसकी वजह से ढंग से काम नहीं कर रहे। इन्होंने पाया कि कैप्सूल के मैनुअल कंट्रोल सिस्टम पर डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर की वजह से ये ओवरहीटिंग हो रही है। जब इन थ्रस्टर्स को दोबारा से टेस्ट किया गया बिना सनलाइट के, तब ये नॉर्मली ऑपरेट करते हुए पाए गए। लेकिन ओवरऑल ये इंजीनियर्स इस बात पर श्योर नहीं थे कि स्टारलाइनर जब वापस लौटेगा तो इसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम दोबारा होगी या नहीं होगी। यही कारण कि फैसला लिया गया स्टारलाइनर बिना एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस लौटेगा और वो एस्ट्रोनॉट्स अभी के लिए स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे। ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है कि नासा ने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी, नहीं तो सबके मन में वही 2003 वाला चैलेंजर डिजास्टर था जहां पर कल्पना चावला वापस लौट रही थी धरती पर और उनका स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड कर गया।
इसकी बात डिटेल में मैंने कल्पना चावला वाले वीडियो में करी थी कि एग्जैक्टली वहां पर क्या गलती हुई थी। यहां नासा ने अब फैसला लिया कि सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को वापस धरती पर लाने के लिए वो स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। फरवरी 2025 में जब स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन ISS पर जाएगा, उस मिशन में 4 लोगों की जगह सिर्फ 2 को ही भेजा जाएगा ताकि ये 2 एस्ट्रोनॉट्स वापस उसके साथ लौट जाए। तो क्योंकि ये चीज अगले साल फरवरी में ही होगी तो इन टोटल ऑलमोस्ट 9 महीने ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में बिताएंगे। नासा के स्टीव स्टिच स्टारलाइनर को एक वेरी केपेबल स्पेसक्राफ्ट करके पुकारते हैं। उनका मानना है कि ये कोई इतना खराब स्पेसक्राफ्ट नहीं है, लेकिन इससे पहले जो 2 मिशन हुए हैं स्टारलाइनर के, जब उसे टेस्ट किया गया बिना क्रू के, बिना इंसानों के, उनमें से भी एक फेल रहा था। बोइंग स्टारलाइनर का पहला मिशन 20 दिसंबर 2019 को हुआ था ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट नाम से, जिसमें कोई इंसान नहीं था बल्कि एक पुतला बैठा था रोजी द रॉकेटियर नाम से, वैसा ही पुतला जैसा गगनयान में बैठेगा कुछ महीनों बाद। इस मिशन का मकसद था 8 दिन तक स्पेस में रहना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करना और वापस धरती पर आना, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक ही नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, इसके लिए नासा और बोइंग ने एक जॉइंट रिव्यू टीम बनाई और इस टीम ने करीब 80 रिकमेंडेशंस दी नासा और बोइंग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक बार फिर से इसके पीछे कारण स्टारलाइनर के थ्रस्टर थे जो टाइम पर फायर नहीं कर पाए और सही ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे कारण निकलता है कंप्यूटर सिस्टम का मिस कैलिब्रेट करना टाइमिंग को। स्टीव स्टिच ने उस वक्त कहा था कि नासा बोइंग को सफिशिएंट ओवरसाइट नहीं प्रोवाइड कर पाया, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ गई। इसके बाद दूसरा टेस्ट हुआ था 19 मई 2022 को बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 और इस बार ये सक्सेसफुल रहा, रोजी द रॉकेटर एक्चुअली में ISS तक पहुंच गया। लेकिन उस टेस्ट में भी कुछ ग्लिचेस जरूर देखने को मिले थे, कुछ थ्रस्टर्स सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, वही चीज जो अभी देखने को मिली इस 2024 के लॉन्च। इंटरेस्टिंगली 2014 में जब नासा ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे बोइंग और स्पेसएक्स को, तो स्पेसएक्स के कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ थी अराउंड $2.6 बिलियन और बोइंग के कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ थी $4.2 बिलियन। और आज स्पेसएक्स ने बोइंग को इतना पीछे छोड़ दिया है कि वो जल्द ही एक वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट मिशंस अटेम्प्ट करने वाला है, दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक एक एस्ट्रोनॉट के द्वारा। 20 मिनट की एक स्पेस वॉक जिसमें एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले रहेंगे। लेकिन बोइंग कंपनी की प्रॉब्लम सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं है, एज एन एयरलाइन कंपनी भी बोइंग की बहुत आलोचना करी जा रही है पिछले कुछ सालों से। इसके पीछे कारण है बोइंग के नए 737 मैक्स कमर्शियल एयरप्लेन के खतरनाक फेलियर्स। 5 जनवरी इसी साल की बात है, अलास्का एयरलाइंस का एक विमान जो बोइंग 737 मैक्स था, वो अपनी एक नॉर्मल फ्लाइट कर रहा था, पोर्टलैंड से ओंटारियो जा रहा था अमेरिका में। जैसे ही प्लेन 16,000 फीट पर पहुंचा, प्लेन का एक दरवाजा पूरी तरीके से बाहर टूटकर निकल गया, एक बहुत बड़ा होल बन गया जिसकी वजह से रैपिड डीकंप्रेशन देखने को मिली। लोगों के फोन्स, कंप्यूटर्स और जो भी पेपर वेपर थे वो सब बाहर निकल गए प्लेन से, उस होल से। थैंकफुली क्योंकि पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी तो कोई भी पैसेंजर प्लेन से बाहर निकल कर गिरा नहीं, सब सर्वाइव कर गए। लेकिन कुछ दिन बाद जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि इनका हार्डवेयर लूज है, इनके जो बोल्ट्स लगे हैं दरवाजे में उन्हें एडिशनल टाइटनिंग की जरूरत है। अलास्का एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने सारे 737 मैक्स एरोप्लेन्स को ग्राउंड कर दिया और जांच करी तो पता लगा कई सारे और एरोप्लेन्स में इनके लूज पार्ट्स निकल रहे थे ऐसे। इससे पहले 2018 में एक खराब सेंसर इनके प्लेन में निकला था जिसकी वजह से लायन एयर फ्लाइट 610 इंडोनेशिया में क्रैश कर गई टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद। उस फ्लाइट में सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे गए। इसके बाद 2019 इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 के साथ भी एक ऐसा ही खतरनाक हादसा हुआ, प्लेन क्रैश, सारे पैसेंजर्स मारे गए। पता चला कि बोइंग ने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था प्लेन में वो ऐसा सॉफ्टवेयर था कि कुछ केसेस में वो पायलट से कंट्रोल छीन लेता था। खराब सॉफ्टवेयर की वजह से प्लेन क्रैश हो गया और पायलट्स यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए प्लेन को। उस वक्त जब ये हुआ था तो सारे बोइंग 737 मैक्स एरोप्लेन्स को 20 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया गया था, सेफ्टी इन्हांसमेंट्स इनकी फिर से चेक करी गई थी और दिसंबर 2020 के बाद ही ये प्लेन दोबारा से सर्विस में एंटर की। लेकिन अब 2024 में फिर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, सोचकर देखो। इन सारे प्लेन हादसों पर कई सारी फर्जी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनी है लेकिन असलियत में ब्लेम यहाँ पर इस कंपनी पर जाता है और किसी पर नहीं। बोइंग के जो CEO है उन्होंने अब खुद कह दिया है कि वो अपनी कुर्सी से नीचे उतर जाएंगे इस ईयर के एंड तक। ये पूरा अपने आप में एक बहुत बड़ा और सेपरेट इशू है, बोइंग कंपनी की लापरवाही और इनके फेलियर्स।
खबरों में यह भी आया है कि जो विसल ब्लोअर्स थे इस कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। तो इस चीज पर कभी और अपना एक अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कल्पना चावला वाला वीडियो यहाँ क्लिक करके अब आप देख सकते हैं। बहुत बहुत यार, स्पेस की लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तो है, लेकिन स्पेस में जाने के लिए जो है भाई साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है, और लिटरली छोटे छोटे माल फंक्शंस होते हैं, उसकी वजह से आप जो है वो देख रहे हैं भाई स्टोरी कहाँ से कहाँ जो है वो पहुँच जाती है। इवन कि जब कल्पना चावला की जो हमने वीडियो देखी थी उसमें मुझे याद है कि भाई उनके जो वो था जो रॉकेट के ऊपर जो उनका प्लेन लगा हुआ था जो वापसी पे दोबारा लैंड करना था उसके ऊपर बस हल्की सी कोई चीज़ लगी थी और उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा जो है वो हो गया। वैसे रिसेंटली मैं सुनीता जी की वीडियोस जो है ना, मतलब मैंने ये देखी हैं, बट मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि रीज़न क्या है, लेकिन ये मैंने ज़रूर रील्स के थ्रू देखा था कि वो लोग स्पेस में स्टक हो गए हुए हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि इतने इतने दिन स्पेस में गुजारना सीरियसली आसान काम नहीं है। मैं वीडियो देखते हुए ये चीज़ सोच रही थी कि हम लोग अंधेरे से डर जाते हैं, या हम लोग ज़्यादा दिन अकेले रह लें तो इस चीज़ से भी हम लोग जो है वो तंग पड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से रहना होता है, लाइफस्टाइल जो है, और यू नो कॉन्टीन्यूसली आपको एक तरह से दुनिया से कट कर ही आप काम कर रहे हो ना वहाँ पर। वहाँ पे अगर देखा जाए आपको जो सुविधा है नो डाउट भाई गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा देती होगी, क्योंकि देखा जाए तो 8 दिनों के लिए वो गए थे, लेकिन वहाँ पे 8 महीने उन्हें स्टक होना पड़ा, तो गवर्नमेंट ने जो है वो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भेजी हैं। लेकिन वहाँ पे आप देखें जो एक रिसाइकल का सिस्टम है, ठीक है ना, कि आप जो है वो अपना यूरिन पास करते हैं और वही बाद में फिल्टर होकर आप उसे पीने वाले पानी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। अगर हम धरती पर रहते हुए ये चीज़ ना, तो हमें जो है ना भाई ऐसा होता है। वैसे मैंने काफी कंट्रीज में सुना है कि वो लोग ऐसा करते हैं कि जो पानी है उसको यू नो ट्रीट करके तो इस्तेमाल किया जाता है, बट अभी तक लेकिन तो भी अगर आपको पता होगी यार ये जो पानी आप पी रहे हैं दिल नहीं करेगा, आपका दिल जो है वो कभी नहीं जो है वो मानेगा। तो भाई इस लिहाज से भी एस्ट्रोनॉट को मैं अगर कहूँ तो उनकी हिम्मत है और उन्हें सल्यूट है कि भाई वो स्पेस में रहकर डिफरेंट चीजों के जो है वो डिफरेंट डिजीजेस के जो है वो टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद देखो रिप्रोडक्शन सिस्टम की जो है वो बेशक प्लांट्स हैं, बेशक वो प्लांट्स का भी साथ उनके जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, तो भी इसमें उनकी हिम्मत है और दुनिया को बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हेल्प मिलती है स्पेस के बारे में रिसर्च करने के लिए। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि कंपनीज जो है ना, क्योंकि बोइंग की अगर मैं बात करूँ तो पिछले कुछ अरसे से मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि उनके जहाज़ जो हैं वो, ये तो स्पेस टेक्नोलॉजी का मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, लेकिन जहाज़ में जो है मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा उनके जो है ना वो इशूज़ आए हैं, खासतौर पर जो इनका बोइंग मैक्स है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ ने जो है वो ग्राउंड ही कर दिए हैं, क्योंकि ये इनके गिरने की जो है वो काफी ज्यादा आपको रिपोर्ट्स आ रही थी, यानी कि उसमें आप बैठकर ऊपर नहीं जाते, ऊपर ही चले जाते हैं। लिटरली जो है ना, आप जब जाते हैं ना तो एयरबस में फिर भी आपको थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन बोइंग के मैंने देखा पर भी यूं हिलते तो उसमें वाकई डर लगता पर है। मैं ये बात बोलूंगी कि कंपनीज को सीरियसली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए छोटी सी छोटी चीज के लिए भी, कि ये नहीं सिर्फ अपने फायदे के लिए आप लोगों की जानों का मतलब इस तरह से उनको वेस्ट कर रहे हो, लोगों की जानों को, और वो भी ऐसी जानों को जो कि बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है दुनिया के। अभी जितने भी हम एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो मतलब अगर हम लोग सुनीता जी की बात करें, साथ में जो उनके एस्ट्रोनॉट थे दोनों बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, और जिस तरीके से उन्होंने इतनी मुश्किल सिचुएशन को हैंडल किया, तो मैं ये बात बोलूंगी कि मतलब जो जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये चीज देखनी चाहिए कि हमारी छोटी सी छोटी चीज जो है उसका क्या अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि धरती पर एक अलग चीज है, लेकिन जब आप स्पेस में जाते हो वहां पर तो मतलब आपके पास क्यों, वैसे मुझे तो कभी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, बट जहाँ तक हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें देखी हैं, मतलब उतना इजी तो आपके लिए कुछ भी नहीं होता जितना आप धरती पर रहकर चीज़ों को कर सकते हो। तो मैं ये बात बोलूँगी कि अभी जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि चलें फिर भी वो एक सेफ साइड पर हैं अभी, मतलब लेकिन ये कि फिर भी इतना टाइम लग रहा 8 महीने गुजार कर आना, और मेरे लिए ये सारी नई चीज़ें थी कि भाई जिस तरीके से अंदर यू नो डिज़ाइन किया जाता है उसको, फूड की फैसिलिटी से लेकर जैसे हम देखते हैं बेड्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, हर चीज़ मतलब उसके लिए जो है उन्होंने इंतज़ाम किया होता है। तो मैं कहूँगी कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आज की मेरे लिए। और जो है मैं ये कहूँगी लीकेज की, क्योंकि बीच में मेन जो है बात की गई है, तो मेरा ख्याल है
कोई भी कंपनी हो, बेशक वो ज़मीन पे हो या स्पेस में ऑपरेट करने वाली हो, तो उनका जो है वो आपको चेक एंड बैलेंस होना, और अगर किसी भी तरह का थोड़ा सा भी मेरे ख्याल है कि इशू नज़र आता है तो उस पर जो है वर्क करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके बाद में हज़ारों लाखों लोगों की जान जाए और फिर आप क्लेम करेंगे हाँ हमारे एंड से इशू था, फिर आपको जाके वो होश है। तो उससे बेहतर है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो चीज़ें पकड़ लें, क्योंकि अगर देखा जाए तो लीक होने से जो है ना, अगर जो है बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उनमें धमाके हो जाते हैं गैस के जो है वो एक पूरा आपको ब्लास्ट, अगर आपको याद हो लाहौर में भी अगर कुछ अर्सा पहले बात की जाए तो इधर शाहनूर स्टूडियो वाली साइड पर एक फैक्ट्री का जो गैस वाला होता है सिस्टम, जो गैस वाला एक सिलेंडर टाइप होता है वो एक्सप्लोड कर गया था क्योंकि उसमें भी कुछ लीकेज वगैरह थी। तो ये चीज़ें जो है ना, मेरा ख्याल है कंपनी कोई भी हो, बेशक वो छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही है, बेशक वो बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है, मेरा ख्याल है कि चीज़ों में चेक एंड बैलेंस होना जो है वो ज़रूरी है। बिल्कुल, और मैं ये भी कहूँगी चाहे प्लेन की बात है या स्पेस क्राफ्ट की बात है, हर चीज़ में मुझे लगता है केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लोगों की जानों का भाई ये मामला है। और मतलब आप देखें वेदर टर्बुलेंस में आप कितना, मतलब आपकी जान निकलने वाली हो जाती है, और जिस तरह से हम लोगों ने फुटेज देखी है प्लेन्स आकर क्रैश हुए हैं, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं जिन जिन लोगों ने ट्रैवल किया है कि भाई बंदे की क्या हालत हो जाती है उस टाइम पर। ये तो चले जो हमने प्लेन क्रैश की जो वीडियो देखी ये तो सारी एनिमेटेड थी, लेकिन रियल, लेकिन रियल लाइफ में वाकई में कुछ आपने फुटेज देखते हैं जो जहाज जो है वो चलते चलते एकदम क्रैश कर जाते हैं। नेपाल में आपको देखने को मिला रिसेंटली, आई गेस ब्राजील में जो है ये चीज जो है वो हुई है। फिर और भी कुछ इंटरनेट पे प्लेन्स वगैरह ऐसे हैं जो क्रैश कर इन लोग जो है वो कैच हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में डैश कैम आपको देखने को मिलते हैं, तो लिटरली काफी जो है ना वो आपके जहन को, आपके नफ्सियात को इम्पैक्ट करती है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ हमें गुड बाय।